नमस्कार दोस्तों दोस्तों यह जो प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक मेरे व्यूअर ने भेजा है जो मेरे काफ़ी समय से वीडियो देखते रहते हैं, मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं और जो इसमें रुचि रखता है तो दूसरे लोगों के वीडियो भी देखते होंगे, अध्ययन भी करते होंगे, पढ़ते भी होंगे। उन्होंने प्लान देख के साथ साथ अपनी समस्या भी लिखी है और क्या क्या उन्होंने कुछ मेरे वीडियो देख के परिवर्तन की उसकी जानकारी भी दी है। समस्या उन्होंने लिखी कि उनकी पास जो कारोबार करते हैं, मैं ज़्यादा उनने डिटेल दी पर मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता, मैं चाहता नहीं कि लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ कि मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं देता। पर उनने लिखा है कि जो मैं काम करता हूँ उसके अंदर मेरी डील कम्प्लीट ढंग से नहीं हो पाती, कैश फ्लो नहीं आ पाता, पैसे की टाइटनेस बनी रहती है। मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है पर उसको जॉब नहीं मिल रही, सुटेबल जॉब नहीं मिल रही, पढ़ी लिखी वाइफ है उनकी, और उनकी वाइफ को 2 बार मिस कैरेज हो गए हैं। और उन्होंने जो वीडियो देख देख के जो गलतियां पकड़ में आई तो उनने वो ठीक करी हैं और बाकी अब पूछा कि आपकी अब क्या राय है इसके बारे में। दोस्तों देखिए, ये उनका ग्राउंड फ्लोर है, ये दिशाएँ ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये इनका फर्स्ट फ्लोर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, और टेरेस प्लान भी आया। टेरेस प्लान कुछ भी नहीं है, सीढ़ियाँ हैं ये, सीढ़ियों के बाद यहाँ पर जो है ओवरहेड टैंक है, तो टेरेस प्लान में ओवरहेड टैंक साउथ वेस्ट में होना अच्छी बात होती, यहीं रखना चाहिए, सही जगह पर है। अब अपन देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इनका वेस्ट फेसिंग मकान है, वेस्ट में जो उन्होंने जो दरवाज़ा दिया है, ये दरवाज़ा होता क्या, जब हम वास्तु करते हैं तो पूरे इसका भी देखते हैं वेस्ट, अब इस पोर्शन का वेस्ट देखा जाएगा, उसके हिसाब से इन्होंने अपना ये साउथ वेस्ट की तरफ कर रखा है। इनको चाहिए, ये बहुत बड़ा दोष नहीं है, पर दोष है ये, इसको इधर जितना इधर जगह छोड़ी इतनी जगह इधर छोड़ के गेट रखते तो ज़्यादा अच्छा था। एक ये इनका गैराज है, यहाँ भी इनका गेट है, गैराज देखा जाए तो मध्य पश्चिम में आ रहा है पूरे घर के, तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दरवाज़ा होगा तभी गैराज में गाड़ी जाएगी, या शायद यहाँ से रखते होंगे जो भी है, यदि यहाँ से रखते तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर बोरवेल है, पश्चिम दिशा में जब बोरवेल होता है, बोरवेल लिखा है, बोरवेल है यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती है, दूसरा आदमी अपनी समस्याओं के निदान के लिए कई बार धर्म का सहारा लेता है, पूजा पाठ, कुछ उपवास रख लेना, कुछ तय कर लेना कि हम ये कर लेंगे, यदि हो जाएगा तो 21 सोमवार ये करेंगे, जो भी ऐसा करता है कई बार आदमी जब, पर बोरवेल, हाँ टंकी होती तो पक्की बात है, ऐसा होता यदि बड़ा गड्ढा होता तो पक्की बात थी, बोरवेल पर कोई छोटा गड्ढा है, बोरवेल जो गहरा होता है पर गड्ढा छोटा है तो इसका इफेक्ट हो सकता है तना आए, पर ये गलत जगह पर है, बोरवेल की जगह ये थी इनके लिए, यहाँ बोरवेल करते। इनने एक अंडरग्राउंड टैंक यहाँ बना रखा है उत्तर में, ये बाद में बनाया है, पर निश्चित रूप से ये बनने के बाद से, जब से इन्हें टैंक बनाया होगा उत्तर दिशा में, इनके समाज में प्रसिद्धि बढ़ी होगी, इस परिवार की जो यहाँ रहते हैं उनकी प्रसिद्धि बढ़ी होगी, उत्तर दिशा का में गड्ढा होना प्रसिद्धि बढ़ाने सहायक होता है, उसमें पानी आ जाए तो पानी उस गड्ढे में बूस्टर की तरह काम करता है, ठीक ये सही है। उनने एक जानकारी और दी कि हमारा यहाँ पर पहले सेप्टिक टैंक था, सेप्टिक टैंक था तो आपके वीडियो देखने के बाद मैंने सेप्टिक टैंक को बंद कर दिया प्रॉपर तरीके से, जैसे बंद करना चाहिए, और उनसे मैं कहूँगा कि यदि कोई गलती रह गई हो तो मेरा इस कोई अंडरग्राउंड टैंक कैसे बंद करें उस पर एक वीडियो है, उसको ज़रूर देखें, वो यदि वैसा भरा तो अच्छी बात है। ये कर दिया इन्होंने, इसको स्टोर रूम बना दिया। अब ये नहीं बताया इन्होंने कि आगे अब सेफ्टी टैंक बनाया कहाँ है, यूँ इनको चाहिए था सेफ्टी टैंक यहाँ बना देते, नहीं तो सेफ्टी टैंक यहाँ बना देते, मैं इसके 3 हिस्से करते तो एक हिस्सा छोड़ के यहाँ कहीं बना देते, बोरवेल को यहाँ कर दें। इनने एक बात बताई कि सब हमारे पहले खंबा था, बिजली की वायर जा रही थी, इसलिए हमारा ये नॉर्थ ईस्ट कट गया, भाई वायर यहाँ से जा रही थी तो ये हिस्सा क्यों बढ़ गया, भाई एक हिस्सा कटता, इनका जो है अग्नेय कोण बढ़ गया है, यानी ईस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है, जब अग्नेय कोण इस तरह बढ़ जाता है तो घर में विवाद और कलह रहते हैं, आपसी तालमेल की कमी रहती है एक, और नॉर्थ ईस्ट का कटना तो वो जो बात है कि तरक्की नहीं हो पाती, वो स्पार्क नहीं आ पाता, वो जैसे बता रहे डील नहीं हो पाती कंप्लीट, उसमें मार्जिन नहीं आता है, तो ये इसी कट के कारण है। उनको चाहिए कि पहले ग्राउंड फ्लोर पर इसकी सीध में ऐसा एक दीवार बनाएं, दीवार बना के और
बराबर इसको दीवार ही बना तो ज़्यादा अच्छा, पूरा उनको दीवार बना, क्योंकि ऊपर भी घर बना हुआ है, दीवार बना के इस कमरे को पक्का उससे ईंट से करना, ईंट मतलब ब्रिक की वॉल, ऊपर से भले लोहे का जाल डाल दें पर उस लोहे के जाल पे आ जा सके, एक्सेस हो उसके अंदर, तो वो होना ज़रूरी है, ध्यान रहे। एक और नहीं तो छत डालते हैं तो बहुत अच्छी बात, इसकी सीध में यूँ करके इसके सीधे 90 डिग्री इसको करना होगा। दूसरा भी ऊपर जाने सीढ़ी जो रखी है, अब सीढ़ी का वास्तु देखेंगे हम, सीढ़ी का उत्तर वायव्य में रखी है और ऊपर यहाँ से जाके और ऊपर यहाँ आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, मतलब पश्चिम निरुत्त से ऊपर चढ़ के न्यू आ रहे हैं, ये गलत है। इनको चाहिए सीढ़ी यहाँ से चढ़े उत्तर पूर्व शान से चढ़ के न्यू होके ऊपर बाहर आए, ये सही तरीका होता है। तो ये दरवाज़ा गलत है, फिर साउथ वेस्ट का दरवाज़ा हो गया इस कमरे का, मतलब साउथ वेस्ट में पश्चिम निरुत्त का हो गया, ये गलत है, ये दरवाज़ा सही है, ये रूम का दरवाज़ा भी सही है, ये भी सही है, ओके। तो पर ये गलतियाँ, ये सब महत्वपूर्ण वास्तु दोष है, इसी कारण से सब समस्याएँ, दो बार मिस कैरेज होना, आर्थिक स्थिति खराब रहना, बात बनना नहीं, जॉब नहीं लगना, इन दोषों के कारण है। अब आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आप देखिए कि ये कट तो है, इनको तो ठीक करना ही पड़ेगा, तो नॉर्थ ईस्ट कट तो यहाँ भी आ गया, ईशान कोण का कट है ये, तो इसे ठीक करना होगा। अब आप देखिए बच्चे कमरा यहाँ पर है, ये है तो ठीक है, बच्चे का यानी बच्चे का रूम है, उसका दरवाज़ा देखिए ये दक्षिण निरुत्त में आ रहा है, ये गलत है, ये दरवाज़ा ये दरवाज़ा यहाँ भी गलत है, इसको दरवाज़ा यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर या इनको चाहिए कि बच्चे का पलंग इस तरफ लगाएं और दरवाज़ा यहाँ बनाएं, दरवाज़ा यहाँ बना, बच्चे का पलंग इस तरफ लगाएं और बीच में लगाएं, एकदम कोने पर ना लगाएं। ये किचन है, ठीक है, किचन देखा जाए तो किचन का साइज इतना बड़ा ईस्ट तक आ रहा है, इसके तीन हिस्से करें तो दूसरे हिस्से को टच कर रहा है, इतना पोर्शन टच कर रहा है, तो इसमें ईस्ट के थोड़े प्रभाव आएंगे, वो प्रभाव होते हैं घर की मिलाई पास होते हुए सब कुछ नाखुश रहती है, उसे यूट्रस की प्रॉब्लम होती है और नसों से संबंधित समस्या होती है, ठीक। तो उन्हें चाहिए थोड़ा किचन छोटा कर दें, यहाँ से छोटा करके इस तरह पैसेज बना लें और उसका रास्ता यहाँ कर लें, ये दोनों बाथरूम टॉयलेट ठीक है, दिक्कत नहीं है, ये दरवाज़ा भी ठीक है। अब इनको चाहिए मास्टर बेडरूम, ये कोने पर इनने पलंग लगा रखा है, कपल को कभी भी कोने पर इस तरह पलंग नहीं लगाना चाहिए, इस तरह साथ रहने के मौके कम मिलते हैं, इनको चाहिए थोड़ी जगह यहाँ भी दे, यानी तीन तरफ से आदमी इधर से इधर से इधर से अपने पलंग पे आ सके, वो स्थिति ज़्यादा अच्छी होती है किसी भी दंपत्ति के बेड की, ये गलत है तो इसको ठीक करें। एक और बालकनी को ठीक है, ये बालकनी तो देखा जाए तो उनकी जो बड़ी समस्या है वो ईशान कोण की समस्या है, सेफ्टी टैंक वो देखे कहाँ बनाया है, यदि यहाँ कहीं बनाया तो ठीक है, यहाँ बनाया तो ठीक है, और कहीं बनाया तो गलत है, ये तो गलत जगह थी, वो ठीक कर ली उन्होंने, बाकी वो देखें। तो यही दोषों के कारण इनके परिवार में दो मिस, इनकी वाइफ को दो मिस कैरेज हुए, वाइफ की जॉब नहीं लग रही और ख़ुद की भी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छी नहीं है, इनको बहुत अच्छी आमदनी नहीं हो पा रही है। मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर इसको देखकर, ऐसी गलतियां बहुत लोग करते हैं, सामान्य गलतियां ये लोग घरों में करते हैं, जिनको परेशानियां चल रही हैं वो चेक करें कि क्या उनके घरों में ऐसी कोई गलती, सभी गलतियां नहीं होंगी, कुछ गलती होगी, किस साउथ से टैंक होगा, किसी का कोना कट रहा होगा, ठीक है ना, किसी का दरवाज़ा गलत होगा, किसी का पलंग गलत लगा होगा, ऐसी गलतियाँ होती हैं, उनको सुधारें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद एकमात्र यही है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।